हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर बीआई के कुछ बेसिक लेआउट के बारे में सीखने वाले हैं और मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स जिसमें हम डेटा वगैरह को चेंज करना सीखेंगे, फिल्टर करना सीखने वाले हैं और रिलेशनशिप कैसे टेबल के अंदर बनाए जाते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब पावर बीआई ओपन करते हैं, पावर बीआई ओपन करने के लिए आप ये जो विंडो के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आप पावर बीआई सर्च करेंगे, इस तरीके से पावर बीआई आता है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से हमारा विंडो ओपन होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये फाइल, ये एक टैब है, होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, मॉडलिंग एक टैब होता है, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प, ये सारे कुछ टैब होते हैं और इन टैब के अंदर अपने अपने खुद के ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। अब इस रिबन के अंदर हमारे कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड एक ग्रुप है, इसके अंदर एक अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, डेटा डेटा जो है एक ग्रुप है, इसके अंदर गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, ये सारे जो है ऑप्शंस हैं। तो आप कह सकते हो टैब के अंदर आपको रिबन मिलेगा और उस रिबन के अंदर ग्रुप होता है एंड इस ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इंसर्ट के अंदर न्यू विजुअल्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे मिल जाते हैं। इंसर्ट के अंदर आप जाओगे तो न्यू विजुअल्स, डिकम्पोजिशन ट्री, की इन्फ्लुएंसर, ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको सेप्स मिल जाते हैं, इमेजेस इंपोर्ट करा सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर हम अपने न्यू पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे भी सीखने वाले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, या आप क्लिक करोगे तो ये शो होगा और अप एरो क्लिक करोगे तो हाइड हो जाता है। ये तीन ऑप्शन पे हम लोग कहीं ना कहीं वर्क करने वाले हैं। पहला होता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू के अंदर बेसिकली आप जो भी ग्राफ और जो भी चार्ट वगैरह क्रिएट करोगे, सारा कुछ आप रिपोर्ट व्यू के अंदर प्रिपेयर करने वाले हो। सेकेंड होता है टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर जब आप कोई डेटा अपने पावर बीआई के अंदर इम्पोर्ट करते हो, लेकर आते हो, तो वो डेटा आपका इस जगह पे शो होगा। एंड मॉडल व्यू, थर्ड जो ऑप्शन होता है मॉडल व्यू, जब आप डेटा को इम्पोर्ट कराते हो तो कई सारे टेबल्स हो सकते हैं, सिंगल टेबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं, तो उन टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है वो सब हम लोग मॉडल व्यू के अंदर करेंगे। तो बेसिकली रिपोर्ट व्यू होता है आपका ग्राफ के लिए, चार्ट्स के लिए, टेबल व्यू होता है आपके डेटा के लिए, जो भी टेबल्स होते हैं, जो भी वैल्यूज होती है वो यहाँ से होंगी, एंड मॉडल व्यू आपका बेसिकली टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए होता है। एंड इसके बाद जैसे अगर हम रिपोर्ट व्यू देखें तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो व्हाइट एरिया, इसी पोर्शन पर हम सारे एक्टिविटीज करेंगे। इसको हम लोग कैनवस बोलते हैं, कैनवस हम लोग बोल सकते हैं। इसके बैकग्राउंड वगैरह को भी हम लोग चेंज करेंगे आगे चलकर। ये हमारे पेजेस हो गए, जैसे ये वन पेज है, मैं प्लस करूंगा तो कई सारे और पेजेस भी इंजर्ट करा सकते हैं। तो बेसिकली ये न्यू पेज इंजर्ट करता है, इस पर राइट क्लिक करके हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया और डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, एक और सीट इसी नाम से आ जाएगा। अगर मैं इसको रिनेम करना चाहूँ तो मैं रिनेम भी कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने रिनेम भी कर दिया, बाहर क्लिक करने पर वो नेम सेव हो जाता है। एंड फिर इसको अगर मुझे हाइड करना है तो मैं ये राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, तो ये इस तरीके से शो होता है। मैं इसको राइट क्लिक करके अनहाइड भी कर सकता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। सो ये अनहाइड हो गया। इसके बाद यहाँ पे दो व्यू, लेआउट व्यूज होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप लेआउट व्यू, जिस व्यू में अभी हम लोग हैं ना, ये डेस्कटॉप लेआउट व्यू है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मोबाइल का लेआउट व्यू हो जाता है, जिस तरीके से मोबाइल में आपका विंडो शो होगा उस फॉर्मेट में आपका पेज यहाँ पे शो होने लगता है। तो मैं अभी के लिए इसको डेस्कटॉप लेआउट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ से कोई भी पेज डिलीट कर दिया, आप उसको दोबारा ला नहीं सकते, तो डिलीट करने के बाद आप दोबारा पेज यहाँ से ला नहीं सकते। एंड यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो होता है पावर बीआई के अंदर, थ्री पेन्स मिलते हैं, पेन फॉर PANE। तो जैसे एक होता है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, तो फिल्टर फिल्टर पेन होते हैं, विजुलाइजेशन पेन होते हैं और डेटा पेन्स होते हैं। फिल्टर पेन में हम कहीं ना कहीं अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, हम अपने विजुलाइजेशन को फिल्टर कर सकते हैं, किसी पेज में फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। विजुलाइजेशन के अंदर आप अपना कोई चार्ट, कोई ग्राफ, आप देखो यहाँ पे कई सारे चार्ट्स और कई सारे ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं बाई डिफॉल्ट। आप उसको यूज़ करके अपने डेटा का एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्ट करना है तो आप इस पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, गेट मोर विजुअल पे क्लिक करके आप और भी सारी अपने मेल आईडी वगैरह को एंटर करके आप और भी सारी विजुअल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर डेटा जो होता है, जब आप किसी टेबल को या किसी डेटा को इंपोर्ट कराते हैं तो उसकी स्कीमा यहाँ पर आपको दिखाई देती है। बेसिकली स्कीमा का मतलब होता है उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में आप उसको फील्ड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो वो कॉलम्स, वो फील्ड्स आप यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पर शो कर सकते हो, देख सकते हो। सो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का जो नया लेटेस्ट अपडेटेड पावर बीआई होता है उनमें विजुलाइजेशन का ऑप्शन और ये डेटा का जो पेन्स है ये शो नहीं होते। तो उसको रिटर्न लेकर आने के लिए आप क्या करोगे, फाइल के अंदर जाओगे, ऑप्शंस इन सेटिंग के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जाओगे,
बेसिकली पावर बीआई जो होता है ये हर मंथ अपडेट होते रहते हैं, और वो सारे अपडेट्स आपको ग्लोबल के अंदर प्रीव्यू फीचर के अंदर शो होते हैं। तो ये जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं पावर बीआई के, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो अगर आपने ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन पे क्लिक कर दिया और इसको ओके क्लिक कर दिया, जैसे मैं अभी इसको ओके क्लिक कर देता हूँ, और आपको ये रीस्टार्ट करना होगा पावर बीआई को। तो मैं इसको ओके क्लिक करके पावर बीआई को रीस्टार्ट करता हूँ। सो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, गो नॉट सेव, एंड ये मैंने वापस से पावर बीआई को यहाँ पे ओपन किया। तो बेसिकली जब हम ऑन इंटरेक्शन ऑप्शंस को टिक कर देते हैं, तो हमारा जो डेटा और विजुलाइजेशन का जो पेज है वो हाइड हो जाते हैं। देखिए हमारा विंडो ओपन हो रहा है। सो अब इसको मैं बंद करता हूँ, एंड ये आप देख सकते हो केवल फिल्टर्स के पेन आ रहे हैं, डेटा और विजुलाइजेशन के पेन गायब हो चुके हैं। तो उसको वापस लाने के लिए आप फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस इन सेटिंग के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ पर उसी ऑप्शन को दोबारा से आप अनचेक कर देंगे। तो मैं प्रीव्यू फीचर्स के अंदर जाता हूँ, ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन को अनचेक करके ओके करता हूँ, और मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा। सो ये मैंने क्लोज किया और मैं वापस से पावर बीआई ओपन करता हूँ। सो अभी हमारा जो हाइड हो गए थे पेंस फिल्ट्रेशन और डेटा एंड विजुलाइजेशन के, वो दोनों कहीं ना कहीं शो होने लगे। तो आप देख सकते हो डेटा मेरा शो हो रहा है एंड विजुलाइजेशन भी जो है वो शो होने लगे। तो बहुत सारे लोगों के जो कंप्यूटर है उनमें पावर बीआई में ये इशू आते हैं, तो आप इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे किस तरीके से पावर बीआई के अंदर अपने डेटा को इंपोर्ट करना है, मतलब अपने डेटा को किस तरीके से लेकर आना है। तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। आप होम टैब के अंदर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको गेट डेटा का ये ऑप्शन दिखाई देगा, गेट डेटा। तो गेट डेटा पे आप जब जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो बेसिकली जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने तरीके से जिस जिस फाइल को आप डेटा जिसके अंदर आपके डेटा है वो आप इम्पोर्ट करा सकते हो, वो यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे ऑल के अंदर आप एक्सेल फाइल आप इम्पोर्ट करा सकते हो, सीएसवी फाइल इम्पोर्ट करा सकते हो, एक्सएमएल कर सकते हो, ऐसे सीक्वल के भी डेटा को ले सकते हो आप। फाइल्स के अंदर जाते हैं तो हम फोल्डर्स, पूरे फोल्डर्स को लेकर आ सकते हैं, जेसॉन फाइल को ले सकते हैं। डेटाबेस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इवन पावर प्लेटफॉर्म जैसे डेटा फ्लो आपका जीसीपी के अंदर आते हैं, एज्योर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हडूप के भी डेटा को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे गिटहब से भी आप डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक आपको अदर्स में आपको दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी आप डेटा को इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो जहाँ से आप डेटा को इम्पोर्ट करा सकते हैं। सो वेब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अदर्स के अंदर, जैसे आप कभी किसी वेबसाइट से उनके टेबल को इम्पोर्ट कराना चाहते हो, तो आप यहाँ बेसिक पर क्लिक करके उस वेबसाइट को यहाँ पेस्ट कर देना और ओके क्लिक कर देना, तो अगर उस वेबसाइट के अंदर कोई टेबल है तो वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएंगे। सो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से डेटा में वर्क करना है। मैं एक एक्सेल फाइल के अंदर हमारा डेटा होगा, उसी डेटा में हम लोग आगे की कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।